हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद दितिमन में। राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती के तहत 11 जिलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये जो नोटिफिकेशन निकाले गए हैं तो इसमें बिल्कुल भी जो है वो आपको किसी प्रकार की फीस नहीं देनी है, निःशुल्क आवेदन आप लोगों को करना है। यहाँ पर हम 11 जिलों के जो नोटिफिकेशन है वो सभी हम देखेंगे, सभी 11 जिलों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आवेदन शुरू और अंतिम तिथि जिले वाइज अलग अलग रहेगी, तो भर्ती से जुड़ी जो है वो सारी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ दिखाने वाली हूँ। तो पहली बार अगर चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि जितने भी वीडियो मेरे बनते हैं समय पर आपको मिल सकें। सबसे पहले जो जिला है वह है जोधपुर जिला। जोधपुर जिले के अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन सी पंचायत समिति में जो है ये भर्ती आई है। तो 20 जून 2023 को जो है यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 20 जून को यहाँ पर जो है वो साथिन के पद जो है निकले हैं, ठीक है, साथिन के जो है रिक्त पद हैं। और यहाँ पर पंचायत समिति जो दी हुई है जोधपुर की, तिवरी है, फलौदी है, तो जो भी जोधपुर का स्टूडेंट देख रहा है तो वो देख ले कि उनकी जो है पंचायत समिति जो है तिवरी, फलौदी, देचू, बाप, चौमू, लूणी, बिलाड़ा, इसके अलावा शेरगढ़, लोहावट, भोपालगढ़ और सेखाला, इन पंचायत समितियों में जो है वैकेंसी निकली है, ठीक है, साथिन पद के लिए निकली है। तो ऐसा नहीं है कि एक जिले में केवल साथिन पद की है, कहीं पर जो है वो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भी है, कहीं पर जो है वो मिनी कार्यकर्ता, सहयोगी कार्यकर्ता की भी है। चयन हेतु वांछित पात्रता, यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो सबसे पहली बात कि आवेदक जो है उस ग्राम पंचायत का, ठीक है, ग्राम पंचायत हो सकती है या आप नगर परिषद में रहते हैं जहां वैकेंसी निकली है तो वो नगर परिषद हो सकती है, तो उसका जो है मूल निवासी होना चाहिए। मूल निवास का जो है उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो है पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड या मूल निवास प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, ग्राम विकास अधिकारी या सरपंच द्वारा जारी जो प्रमाण पत्र जिसमें ये मेंशन हो कि आप इस ग्राम पंचायत के जो है मूल निवासी हैं, ठीक है, ये जो है वो आपके पास जो है वो आवेदन पत्र में आप लोग शो करेंगे। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला जो है वो अपने ससुराल या मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी मानी जाएगी। तो वो ससुराल पक्ष से अगर भरना चाहती है ससुराल पक्ष से भर सकती है फॉर्म, मायके से भरना चाहती है तो मायके से फॉर्म भर सकती है। बहुत ध्यान से जो है इसको देखें आप, इस वाले नोटिफिकेशन को, जोधपुर वाले को, क्योंकि मैं इसी में सारी डिटेल बताऊंगी। बाकी जितने भी नोटिफिकेशन है अन्य जिलों के तो उनकी केवल अंतिम डेट मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है कि आवेदनकर्ता महिला के घर में जो है शौचालय होने और उसका नियमित उपयोग किए जाने का भी एक आवेदन पत्र में जो है वो घोषणा आप लोगों को करनी अनिवार्य है। वैवाहिक स्थिति में लिखा है कि आवेदन हेतु महिला का जो है विवाहित होना आवश्यक नहीं है। शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर साथिन पद के लिए वैकेंसी आई है तो न्यूनतम 10वीं मांगी है। उम्र की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। एज रिलैक्सेशन जो है वह आरक्षित जो महिलाएं हैं उनको मिलेगा, जैसे एससी है, एसटी है, तलाकशुदा है, विधवा है, परित्यक्ता है या विशेष योग्यजन है, तो उनके लिए उम्र जो है वह 45 वर्ष रहेगी। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चयन हेतु मूल्यांकन या मानदंड, यानी आपका जो चयन है, आपका जो सिलेक्शन है वह किस तरीके से होगा, तो इसके लिए हमको जो है परिशिष्ट व्यय जो है देखना होगा। तो ये देखिए परिशिष्ट व्यय, जहां पर आपको पता लगेगा कि आपका चयन जो है वो कैसे होगा। इसी तरीके से जो है वो आगे, चाहे मिनी कार्यकर्ता हो, चाहे सहयोगी कार्यकर्ता हो, चाहे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर हो, सबका ऐसे ही सिलेक्शन होगा। साथिन चयन जो है यहाँ 10वीं तो जो है वो मिनिमम मांगी गई है, ठीक है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता, स्नातक से अधिक है तो 5 अंक भार मिलेगा आपको, स्नातक है तो 4 मिलेगा, 12वीं पास समकक्ष है तो 3 मिलेगा, 10वीं पास और इसके समकक्ष योग्यता है तो 2 मिलेगा, और 8वीं पास, अंकतालिका प्रमाण पत्र, ये सब कुछ आपके पास है तो टोटल आपको 5 पूर्णांक जो है यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप किसी अदर श्रेणी से, इसका मतलब क्या, आरक्षित श्रेणी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वह एससी एसटी है, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक है, यूडब्ल्यूएस है, सामान्य है या फिर कोई दिव्यांगजन है, तो उनको भी अलग जो है यहाँ पर उसी तरीके से जो है अंकभार मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से इनको 3 और 2 अंकभार जो है वो मिल रहा है, 3 जो है वो एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग की महिला को मिल रहा है। इसके अलावा जो दिव्यांगजन है उनको 2 अंक भार मिल रहा है। विशेष योग्यता अगर आप रखते हैं, जैसे अगर आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं। RSCIT अगर आपने कर रखा है, जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान है, तो आपको 1 मिल रहा है, यानी टोटल आपको जो है अगर आपने ये दोनों ही कर रखे हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो 2 अंक भार जो है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं अन्य अभ्यर्थी से।
नेक्स्ट देखिए कार्य का अनुभव। अगर आपको पहले से ही अगर किसी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कार्य किया है, सहायिका का, आशा सहयोगी का, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, ठीक है, या 1 वर्ष का साथिन के रूप में अनुभव लिया है, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आपको ये 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस इतना ही है। तो 5 नंबर पर है कि नाफ्सा या अंत्योदय या VPL भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में पात्र हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो 2 अंक मिलेंगे। कुल जो है 20 अंक भार जो है यहाँ पर चयन के लिए ये प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। तो जितना ज्यादा जो है वो अंक भार होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है उस स्टूडेंट को या उस अभ्यर्थी को ले लिया जाएगा। तो चयन के लिए जो मूल्यांकन मानदंड है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। श्रेणीवार जो आरक्षण है वह भी मिलेगा। ग्राम पंचायत में जनसंख्या का 50% से अधिक जो है वह SC ST या अल्पसंख्यक का है, तो उस ग्राम पंचायत में उसी वर्ग की महिला का जो है वो चयन अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा और जो है वो महत्वपूर्ण चीज क्या रहेगी, तो यहाँ पर देखिए जोधपुर में आवेदन के लिए जो अंतिम डेट है वो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर जो है एक पेज पर जो है वो लिख लें कि यहाँ पर जो है या तो व्यक्ति यानी खुद जो है अभ्यर्थी या रजिस्ट्री डाक द्वारा दिनांक 20 जुलाई को 5 बजे तक जो है वो जमा करवाना है। कहाँ जमा करवाना है, तो एड्रेस भी जो है वो आप लोगों को दिया है पता, कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता DRDA, प्रथम फ्लोर, कमरा संख्या 9, कलेक्टर कैंप, जोधपुर। ठीक है, आपको जो है वो आवेदन पत्र कहाँ से मिलेगा, तो आवेदन पत्र आपको ये जो साइट है www.wcd.rajasthan.government.in, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लें। तो इस तरीके का जो है वो आवेदन पत्र जो है मिलेगा। ठीक है, उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अगर आप भरते हैं, जैसे और जिलेवार जो निकल रही है वैकेंसी, तो कहीं पर अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आप एलिजिबल हैं, या मिनी आंगनवाड़ी के लिए, या शिशु पालना गृह कर्ता के लिए, या आशा सहयोगिनी के लिए, तो यहाँ जोधपुर में साथिन के पद पर जो है वैकेंसी है, तो आप इसको भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना जो है वो कम्प्लीट आपको सारा बायोडाटा जो है वो आपको भर देना है यहाँ पर, और कार्यालय में जाके या तो खुद या फिर डाक के द्वारा आपको जमा करवाना है। ठीक है, लास्ट में जो जितने भी आपने जो है डॉक्यूमेंट लगाए हैं, संलग्न दस्तावेज, तो उनका आप ब्यौरा देंगे यहाँ पर कि आपने जो है वो क्या क्या लगाया है। ठीक है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, विवाह पंजीयन प्रमाण, या फिर आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा RSCIT कर रखा है, ओ लेवल का कर रखा है, टैली कर रखा है, ठीक है, या फिर किसी कार्य अनुभव का हो, तो सारी चीज जो है वो आपको लगानी है, सिग्नेचर करने हैं, और फिर जो है कंप्लीट जो है आप लोगों को इसको डाक के द्वारा भेज देना है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसके बाद देखिए नागौर से भी जो वैकेंसी आई है यहां पर, तो नागौर में जो कि 21 जून 2023 को ये विज्ञप्ति आई है, ये देखिए नागौर की साइट है, यहां पर आप जाकर जो है वो एप्लीकेशन करेंगे, और यहां पर भी कंडीशन वही है, महिला का विवाहित होना आवश्यक नहीं है, 10वीं पास होना जो है मिनिमम 10वीं पास होना ही है, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक जो है उम्र रहेगी। बाकी सारी डिटेल मैंने जो है जोधपुर का जब मैंने नोटिफिकेशन आपको बताया तो सारी चीजें उसमें डिटेल में बता दी। चयन की जो प्राथमिकता है वो उसी तरीके से होगी, मूल्यांकन प्रपत्र में जो वर्णित मानदंड है उसी के और उसके अंक भार के अनुसार दे होगा। यहां पर जो है वो अंतिम डेट जो है वो आप नागौर जिले के लिए आप देख ले 21/7/2023। नेक्स्ट जो जिला है वह है बूंदी जिला, जहां पर विज्ञप्ति 22 जून को आई है, और ये ब्लॉक के नाम है बूंदी, हिंडोली, के पाटन, नेनवा और तालेड़ा। यहां पर जो है वो डेट है अंतिम 24 जुलाई शाम 5 बजे तक आप कार्यालय में खुद यानी व्यक्ति से या जो है रजिस्टर्ड डाक द्वारा जो है जमा करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए श्री गंगानगर से भी आई है यहाँ पर, तो आप अगर गंगानगर जिले से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर विज्ञप्ति है 23/6/2023 की। ठीक है, पंचायत समितियों के नाम लिखे हुए हैं, आप इस पंचायत समिति से आते हैं या इससे आते हैं, जिससे भी आते हैं आप, तो इसका जो है वो एड्रेस है। यहाँ पर जो है वो 17 जुलाई तक आप लोग आवेदन फॉर्म जो है आप भेज दें या खुद चले जाएं। नेक्स्ट जो है वह कोटा जिले से आई है। ठीक है, तो जितने भी जिले में आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, वहाँ के आप जो है मूल निवासी हैं, उस ग्राम पंचायत के जो भी यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप जरूर अप्लाई करें। यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, और बिल्कुल निःशुल्क है फॉर्म, किसी भी तरीके का कोई आपसे पैसा भी नहीं लिया जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर जो है डेट है अंतिम 31/7/2023 तक जो है वो आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। नेक्स्ट दौसा जिले से आई है। दौसा जिले में जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप कौन से ग्राम पंचायत में आते हो, ठीक है। आप देखने के बाद जो है यहाँ पर अंतिम जो डेट है दौसा जिले में वह है 26/7/2023। जो भी अंतिम डेट है उससे पहले ही आप लोग जो है इसको पहुँचा दें या खुद चले जाएँ। नेक्स्ट जो जॉब है वह सीकर जिले की है, सीकर जिले में आई है और यहाँ की जो अंतिम डेट है वह है 27 जुलाई, ठीक है। तो सभी मैंने हाईलाइट कर दी है अंतिम डेट, डिटेल मैंने आप लोगों को बता ही दी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भरतपुर जिले से भी आई है विज्ञप्ति और यहाँ की जो अंतिम डेट है वह है 27 जुलाई, ठीक है। तो सभी जो है आप पेज में जो है वो लिख लें कि किस डेट तक जो है वो हमारा फॉर्म जो है वो पहुंच जाएगा, या अभी जो है हमारे कागज जो है तैयार नहीं है तो आप तैयार करवा लें, अभी आपके पास समय है। उसके बाद देखिए राजसमंद जिले से भी आई है, तो राजसमंद जिले में अगर आप बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत जो है वो आप देख लें, सभी ग्राम पंचायत के जो है वो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसकी अंतिम डेट जो है वह रहेगी विज्ञप्ति जारी होने के बाद जो है वो 30 जुलाई तक जो है 5 बजे तक आपका फॉर्म जमा हो जाना चाहिए, और बाकी सारी डिटेल जो है वो आपको इस वेबसाइट पर आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है वो भी आप पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता या शिशु पालन कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम योग्यता जो है वो 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। अभी तक हम देख रहे थे कि 10वीं पास जो है वो मांगी गई है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में और मिनी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका इसके लिए आपको जो है 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है, और आवेदन पत्र के साथ में जो है वो अधिकतम जो भी आपके अंकतालिका प्रमाण पत्र है सेकेंडरी की है, इसके अलावा जो है अगर आपने बीएड भी किया है, ठीक है, कंप्यूटर डिप्लोमा भी किया है या आपका अनुभव रहा है कहीं आंगनवाड़ी में काम करने का, तो वो सब आप जो है वो यहाँ पर फॉर्म में लगा सकते हो। उसके बाद देखिए 12 जिले में आई है वैकेंसी। 28 जून को ये विज्ञप्ति आई है इस जिले से, सभी ग्राम पंचायत के नाम यहाँ पर दिए हैं तो आप डिटेल में पढ़ लेंगे। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु जो है यहाँ पर 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। अभी तक 18 से 40 वर्ष हमने देखी, यहाँ पर जो है कहा गया है केवल 18 से 35 साल, बाकी जो कैटेगरी हैं आरक्षित कैटेगरी उनकी आयु जो है वो अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। अंतिम जो डेट है वह है प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस को शाम 5 बजे तक जमा करा सकेंगे। तो प्रकाशन जो है वो कब हुआ है, प्रकाशन इसका हुआ है 28 जून को, तो आप जो है वो 28 जुलाई तक फॉर्म फिल कर दें और जमा करवा दें। अंतिम जो जिला है वह है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में 14 जून को आई है ये वैकेंसी। यहाँ पर साथिन पद के लिए जो है वैकेंसी है, तो यहाँ पर न्यूनतम 10वीं जो है उत्तीर्ण होना चाहिए और आयु जो है 21 से 40 होना चाहिए। योग्य अभ्यर्थी अपना पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र जो है 15/7, ठीक है, 15/7 यानी 15 जुलाई, तो इसके लिए आपके पास जो है वो एक ही दिन है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस वक्त वीडियो देख रहा है हनुमानगढ़ जिले का है तो फटाफट से जो है आवेदन कर दे यदि इंटरेस्टेड हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो कंप्लीट फॉर्म दिखाया और कंप्लीट जो बात बताई वह जोधपुर जिले की बताई थी, और ऐसे ही आप लोगों को बाकी सभी के जो है फॉर्म फिल करने हैं। फॉर्म आपको जो है वो कहाँ मिलेंगे, तो इसकी जो वेबसाइट है www.wcd.rajasthan.government.in, यहां से जो है वो आप लोगों को आवेदन पत्र डाउनलोड कर लेना है और भर लेना है। थैंक यू।